वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख सकते हो मैं अपने हिमाचल ड्रेस में बैठी हूँ। सो ये हाईली हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो रहती है मेरे चैनल पे, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी एक, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सो उसमें मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि उसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सबने पूछे हैं कि आप रेश्ता जो मैंने पहना है इसे पूरे लुक को, इस पूरी ड्रेस को रेश्ता कहते हैं। सो मैंने इसे पहना है तो सब इसे कहते हैं कि आप इसके स्टिचिंग हमें बना के दिखाइए या स्टिचिंग की वीडियो बनाइए। तो पहले मैं आपको बता दूं, माय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, आई डोंट नो हाउ टू स्टिच। मेरा दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं है कि इसे स्टिच कैसे किया जाता है। सो मैं सिर्फ ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ, DIY वीडियोज बनाती हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आई लव दैट। एंड यहाँ मुझे स्टिचिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अगर इन फ्यूचर मेरे को कभी मिलेगा कोई ऐसा जो जिसको रेश्ता की स्टिचिंग आती है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए उसकी वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती इस चीज की। सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। आई होप आपको ये पूरा लुक पसंद आए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें पांच आपका मतलब चीजें होती हैं। इसे दाटू कहते हैं, इसे वेस्टकोट कहते हैं, और ये मतलब एक कुर्ता और सलवार की तरह होता है, आप पजामी भी बना सकते हो, कुर्ता पजामी, और एक लॉन्ग स्कर्ट होती है। तो ये फाइव पीस सेट होता है जिसको होल इन द वॉल रेश्ता कहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ, बहुत बातें हो गई अब। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लुक के साथ। मैं अपनी आईब्रोज को सबसे पहले फिल करने वाली हूँ, और मैंने अपने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर दिया है। सो मैं इस स्टेप को आपको ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं दिखाने वाली, क्योंकि मैं हमेशा इस स्टेप को करती हूँ। तो मैं फटाफट से आईब्रोज को फिल भी कर दिया है। अब मैं फटाफट से कंसीलर ले रही हूँ, फिटमी का कंसीलर इन द शेड मीडियम। मैं फटाफट से अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मैं पहले आई मेकअप करने वाली हूँ, तो ये एक अच्छा सा बेस बन जाता है आपकी आईलिड्स पे, और इवन लगती है आपकी आईलिड्स, तो एक अच्छा कैनवस मिल जाता है आपको वर्क करने के लिए विद कलर्स। मैं इसको फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर दूंगी, और उसके बाद ये ताकि क्रीज ना हो, इसके लिए मैं बनाना पाउडर यूज कर रही हूँ, काफी लाइट वेट होता है, तो इसलिए मैं फटाफट से इसे अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर दूंगी। सो द नेक्स्ट स्टेप इज मैं आई मेकअप शुरू कर रही हूँ। सो मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है, सो मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा आउट ऑफ वी पे भी अप्लाई कर दूंगी। और मैं ये सिंगल कलर यूज करने वाली हूँ अपनी ट्रांजिशन के लिए, एक डार्क ब्राउन कलर। इट्स लाइक कूल टोन का ब्राउन कलर है। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, और ब्लेंडिंग मोशन में इसे अप्लाई कर दूंगी। सो ये मेरी ड्रेस से मिलता जुलता मेकअप होने वाला है, तो ज़्यादा मैं अपने आईज को नहीं बोल रखने वाली। सो मैंने ये कॉपरिश गोल्डनिश सा कलर लिया है, इसे मैं अपनी पूरी आईलिड्स पे अप्लाई कर दूंगी फिंगर्स की हेल्प से, और आईलिड से थोड़ा ऊपर भी अप्लाई कर दूंगी, ताकि एक ब्लेंडेड लाइक लुक आए पूरी आईज का, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको कभी देर हो रही हो मेकअप करने के लिए, आई मेकअप आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये बेस्ट आई मेकअप होता है। जस्ट आप एक ट्रांजिशन कलर अप्लाई कीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, और उसके बाद उस पर इस तरह का कलर लगाइए। ये ऐसा लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं कलर को। सो अब मैं एक ब्रश लेके अच्छे से दोनों कलर्स को ब्लेंड कर दूंगी, ताकि एक अच्छा ब्लेंडेड लुक आए। सो अब मैं लोअर लैश लाइन पे एक पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्रेस पिंक है, तो इसीलिए मैं लोअर लैश लाइन पर पिंक कलर अप्लाई कर दूंगी हाफ वे में, ताकि ये अच्छा सा लुक दे मेरी आईज को, और ऐसा ना लगे कि पिंक कहीं दिख ही नहीं रहा है। सो थोड़ा डार्क पिंक यूज़ किया है मैंने इसमें। सो मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर दूंगी, सेम वही कलर जो मैंने अपने आईलिड्स पे अप्लाई किया था, सेम कलर को लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे हाईलाइट कर दूंगी। ये काफ़ी अच्छा लुक देता है आपको फेस को। और इसके बाद मैं फटाफट से अपना आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ। मैं विंग्ड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो इस लाइनर का भी मेरा अभी मैंने रिव्यू डाला था, आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो फटाफट से एक विंग आईलाइनर अप्लाई कर देते हैं। इससे थोड़ा ट्रिकी है इस लैक्मे 9 to 5 से आपका विंग आईलाइनर क्रिएट करना, बट क्या कर सकते हैं। सो चीज़ ली है तो इसे यूज़ तो करना ही होगा। सो मैं ये आईलैश कलर ले रही हूँ, फटाफट से अपने आईलैशेस को कर्ल कर दूंगी, काफ़ी अच्छा और वॉल्यूमिनस लुक आता है आपकी आईज पे। और उसके बाद मैं फटाफट से अपना लाइक मस्कारा यूज़ कर दूंगी, हमेशा मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ। इससे आपको फेक आईलैशेस लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपकी ऑलरेडी आईलैशेस बड़ी हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो फेक आईलैशेस। सो या
मैं फटाफट से, आप देख सकते हो मेरी आई लुक बिल्कुल रेडी है। अब हम फेस की तरफ चलेंगे। काफी अच्छा लुक आ रहा है फेस पे इस आईज का, काफी सिंपल है। सो ये लैक्मे नाइन लाइक दिस इज नॉट 9 to 5, दिस इज लैक्मे की सीसी क्रीम। इसे मैं अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि ये काफी लाइट वेट होती है, तो इसीलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ। और मैं अपने बनाना पाउडर से लेकर अपने फेस को अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि लाइट वेट होता है इसीलिए। अब मैं कंसीलर यूजुअल एरियाज पे लगा के ब्लेंड कर दूंगी। सो मैं जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया मैं वहां वहां इसे सेट भी कर दूंगी, क्योंकि ये क्रीज हो सकता है आपके फेस पे इसीलिए। सो मैंने अब ब्रॉन्जर लिया है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मेकअप रेवोल्यूशन। सो मैं हमेशा इसका नाम भूल जाती हूँ, बट इस बार मुझे याद है। सो मैं फटाफट से अपने फेस को अच्छे से चिजल आउट कर दूंगी। अब मैं मेबलिन फिट मी का ब्लश यूज कर रही हूँ। ये काफी अच्छा लाइट ब्लश है, बट इसमें काफी शिमर है। नाइट टाइम में अप्लाई करने के लिए दिस इज द बेस्ट, ये एक हाईलाइटर की तरह भी वर्क करता है। और अब मैं हाईलाइटर ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। और फैन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर दूंगी। आप देख सकते हो काफी अच्छा ग्लोई लुक दे रहा है फेस पे। और नाइट टाइम में आप जितना हाईलाइटर लगाते हो वो उतना ही आपके फेस को नेचुरल और ब्यूटीफुल दिखाता है। सो अब मैंने ये लिपस्टिक ले लिया, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मिस क्लेयर। और इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ मैच करती है। दिस इज पिंक, सो मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं एक और इसके साथ लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड 7Cs, क्योंकि थोड़ा सा लिपस्टिक को स्टेबल करने के लिए, ताकि थोड़ी मैच हो इसीलिए। सो अब इसके बाद मैंने ये एक बिंदी का जुगाड़ बनाया, मुझे बिंदी नहीं मिल रही थी तो मैंने आईलाइनर से ही बिंदी लगा दी। सो या सो दिस इज माई फाइनल लुक। यू कैन सी काफी इजी है इस लुक को करना, और काफी अच्छा लगता है। आईज काफी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है एफर्टलेसली बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो गया इतनी जल्दी में ही। यहाँ तक तो आपने देख लिया, मैंने पूरा मेकअप कर लिया है, जुगाड़ के लिए मैंने ये बिंदी लगाई है, किस जुगाड़ से भी देख लिया अपने आईलाइनर से। सो अब मैं अपने बाल बनाने वाली हूँ, नॉर्मल एक पोनी टेल बनाने वाली हूँ। उसके बाद आपको जैसा बताया मैंने 5 पीस सेट बताया आपको, सो इसके ऊपर से मैं वेस्ट कोट पहनने वाली हूँ, उसके बाद दाढ़ू अप्लाई करने वाली हूँ, देन उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। सो मैंने अपनी वेस्ट कोट को पहन लिया है। सो मैं आपको दाठू पहन के दिखाने वाली हूँ, दाठू कैसे पहना जाता है। सो ये दाठू किस इस तरह से दिखता है, और इसे हम ट्रायंगुलर वे में पहले फोल्ड करते हैं, उसके बाद इसे हेड पे ऐसे लगा के टाई कर देते हैं। तो मुझे इतने अच्छे से तो नहीं आता, पर जितना आता है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। इसमें मैंने आपको पूरा लुक दिखाया है, मैंने इसमें लुक काफी ज्यादा सिंपल रखा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेकअप काफी लाउड ना हो, क्योंकि हिमाचलीज वैसे भी मेकअप बहुत कम करते हैं। सो आई वांटेड कि ये काफी न्यूट्रल सा लुक हो, और इसके साथ साथ मेरी ड्रेस काफी ज्यादा कलरफुल है, इसलिए मैंने आईज पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, हल्का सा आईज को थोड़ा शाइनी रखा है, नॉट वेरी मच। लिपस्टिक भी काफी लाइट कलर की यूज की है। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये लुक पसंद आएगा, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।